गरियाबंद के देवभोग में सड़क के लिए 80 लाख रुपए खर्च कर लोक निर्माण विभाग ने मजबूती से काम करवाया, लेकिन सड़कों पर बिछाई गई अमानक गिट्टी, विभागीय तकनीशियनों की गैर मौजूदगी में चल रहा काम सड़क को कितना मजबूत करेगा देखने में इसका अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं। सप्ताह भर पहले 2 किलोमीटर सड़क पर जो डामर की जो परत बिछाई गई थी उसकी परतें उखड़ने भी लग गई। विभाग के अफसर भी मान रहे हैं कि डामर की परतें उखड़ रही हैं, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन वजह बारिश बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब आपको अंदाजा था, जब आपको जानकारी थी कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर आपने ये परत क्यों बिछाई, इससे पहले काम क्यों नहीं किया गया? ये साफ तौर पर अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बारिश होते समय आते हैं ना तो गाड़ी रास्ता आने से जाम हो जाता है, जान नहीं पाते सर, बहुत गंदगी हो जाता है, 7 मिनट सब गंदा हो जाता है सर। बाद में हम बहुत परेशान होकर चल फिर भी जाते हैं, साइकिल में भी गिर जाते हैं, कभी कभी पैर फिसल जाता है, दिक्कत होती है हमको, मगर धीरे धीरे आना जाना तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो कभी कभार गिरे भी रहे हो कि नहीं? हाँ गिरे हैं ना, गिरते हैं स्कूल बच्चे। हाँ हम तो गिरे हैं। उन लोग गुणवत्ता भी इन काम किए, कहीं के पे डामर लगाए, कहीं के पे नहीं लगाए, इसीलिए उनका 6 महीने भी रोड नहीं टिक पाया। फिर अभी जो है फिर से मरम्मत हो रहा है, फिर मरम्मत हो रहा है। चूंकि रोड की हालत काफी खराब है, इसलिए तत्कालिक व्यवस्था हेतु हमने इस पैच रिपेयर के लिए टेंडर लगाया, और टेंडर आने के बाद हमने इसमें मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया हुआ है। पुरुषोत्तम पात्रा संवाददाता मौजूद हैं फोन लाइन पर जानकारी के साथ। पुरुषोत्तम, मालूम था कि लंबे अरसे से ये सड़क जो है खराब है, लेकिन पहले काम नहीं किया गया, बारिश शुरू हो गई, अब यहाँ पर ये कारगुजारी की जा रही है, जबकि पैसा तो बहुत पहले ही पहुंच गया था। जी बिल्कुल, वही बात ही देखने को मिल रहा है देवभोग की इस सड़क में, और ये पहली बार नहीं है। इससे 1 साल पहले इस सड़क पर, इस 27 किलोमीटर पर 2 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग ने खर्च किया था। 6 महीना पहले जब टेंडर उनको दिया गया तो अब पहले तो मरम्मत के नाम से किया गया था, अब मजबूतीकरण के नाम से जो PWD है 80 लाख रुपए का मंजूरी दिया और काम शुरू किया, और उस समय काम शुरू किया जब बरसात शुरू हो गया। अब बरसात शुरू होने के कारण जो है, जो कई, एक तो वहाँ पे मौके पर जो है अमानक जो मटेरियल है वो तो मौजूद है ही, लेकिन जो तकनीकी तौर पर जो काम किया जाना चाहिए, एक एक्सपर्ट की मौजूदगी होनी चाहिए, इसके अलावा जो मौसम को खास तौर पे डामर को पानी या बारिश से बचाने की हिदायत दी जाती है, उनके प्राकलन में भी ये स्पष्ट तौर पे कहा गया है, उनके गाइडलाइन में भी ये स्पष्ट है, बावजूद इसके ये इस तरह से भरे बारिश में डामर बिछा दिया गया। 2 किलोमीटर में जितने भी डामर बिछाए गए थे उनमें से आधा से ज्यादा उखड़ गई है, परतें उखड़ने लगी है, वहां जो गिट्टी मौजूद है वहां पे क्रेशर गिट्टी का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन वो हैंड ब्रोकर गिट्टी डाल दिया गया है, जो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। पुरुषोत्तम, रोकूंगा आपको, शोभचंद पात्रा इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। शोभचंद जी, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी सर, प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ तो खा भी रहे हैं, खिला भी रहे। सड़क के निर्माण कार्य में करोड़ों रुपए के बारे न्यारे हो जा रहे हैं, और सरकार कह रही है कि जाल बिछा दिया है हमने। जाल तो बिछा दिया है सर, लेकिन यहाँ पे अधिकारियों का मतलब मिली भगत के नाम से ठेकेदार लोग काम नहीं कर पा रहे हैं सर। तो इन पर कार्रवाई कौन करेगा, किसकी सरकार है प्रदेश में? सरकार हमारे है सर। तो आपकी सरकार है तो कार्रवाई कौन करेगा? सरकार की इसमें कोई दोष नहीं सर, सरकार जो है ना मतलब गजब बात कर रहे हैं शोभचंद जी। अगर सरकार, सरकारी तंत्र जो है इस तरह की अगर हरकतें कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, आप कह रहे हैं कि भगवान आकर कार्रवाई करेंगे क्या इन पर? नहीं, कार्रवाई सरकार करेगी सर, लेकिन यहाँ पे अधिकारी जो है ना, अधिकारी मतलब मिली भगत करके मतलब ठेकेदारों से ये करके मतलब काम को मतलब यहाँ का क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है सर। जी, यानी कि आप विपक्ष को बैठे बैठे मुद्दा भी दे रहे हैं शोभचंद जी, कि आप निरंकुश हो चुके हैं, बिल्कुल भी पार्टी में दम नहीं रहा, अधिकारी आपके बेलगाम हो गए। जी सर, पार्टी में दम है सर, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही, उसमें बहुत दुख है जी। अधिकारियों के ऊपर मतलब कार्रवाई नहीं हो पा रही है, सही निरीक्षण नहीं हो पा रही है, मतलब इसी में थोड़ा सा हम तो इस बात को लेकर आप अपना झंडा डंडा बुलंद करेंगे नहीं करेंगे पार्टी मुख्यालय में जाके? आप अपनी आवाज उठाएंगे नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी सर, जी, जिम्मेदारी आपको मिली है, पार्टी ने दिया है आपको कि आप जाइए क्षेत्र में तमाम वोटर बनाइए, सिर्फ वोटर तैयार करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है क्या आपको? जी सर। चलिए, हम उम्मीद करते हैं शोभचंद जी कि आपकी आवाज को जो है सुना होगा तमाम बड़े
आपके पार्टी पदाधिकारियों ने, और इस बात पर कहीं ना कहीं अमल भी करेंगे और जल्द से जल्द इस तरीके के मामलों पर निपटारा किया जाए ऐसी हम उम्मीद करते हैं। पुरुषोत्तम, आपका भी बहुत धन्यवाद।